Hi everyone, welcome to my channel and today we are going to discuss the Hindu newspaper. ये द हिंदू का एक newspaper है जो कि 14th October का है. तो आइए चलिए इस newspaper को हम discuss करते हैं, ठीक है, बिना time waste किए. तो देखते हैं important news आज क्या क्या है इस newspaper में. देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज आती है वो आती है इजराइल टेल्स पैलेस्टीनियन टू लीव नदन गाजा. तो मिलिट्री अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर अहेड ऑफ पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन ट्रिगर पैनिक एंड मास एक्सोडस टूवर्ड सदर्न पार्ट. हमास डिसमिसेस ऑर्डर एज अ प्लो एंड टेल्स पीपल टू स्टे ऑन. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसराइल की जो इसराइल की जो गवर्नमेंट है इसराइल की जो गवर्नमेंट है जो पैलेस्टीनियन को बोलती है कि आप जो गाजा का जो नदन पार्ट है वहां पे जो आपकी सेटलमेंट है आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, आप चले जाइएगा. तो ये पैलेस्टीनियन बिगेन अ मास एक्सोडस फ्रॉम नदन गाजा ऑन फ्राइडे आफ्टर इसराइल्स मिलिट्री टोल्ड सम 1 मिलियन पीपल टू इवैक्यूएट टूवर्ड द सदर्न पार्ट ऑफ द सीज्ड टेरिटरी. An unprecedented order ahead of an expected ground invasion against the ruling Hamas militant group. क्या कहना है कि जो पैलेस्टीनियन है पैलेस्टीनियन ने अपना एक मास एक्सोडस मूवमेंट शुरू किया है कहाँ से नदन जो गाजा है वहां से फ्राइडे में जब इसराइल की जो मिलिट्री है वो आती है और वो फोर्सफुली बोलती है 1 मिलियन पैलेस्टीनियन को कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए और आप कहाँ पे चले जाइए सदर्न पार्ट में. ठीक है, सदर्न पार्ट में बिसीज टेरिटोरी के ये एक अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर था अहेड ऑफ एन एक्सपेक्टेड ग्राउंड इन्वेजन अगेंस्ट द रूलिंग हमास मिलिटेंट ग्रुप. ठीक है, तो ये जो वहाँ का जो रूलिंग जो ग्रुप है वो है हमास मिलिटेंट ग्रुप है पैलेस्टीनियन का. तो ये अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है. यूनाइटेड नेशन वॉर्न करता है कि सो मेनी पीपल फ्लीइंग एन मेस ऑलमोस्ट हाफ द गाजा पॉपुलेशन वुड बी क्लैमिटस. अब ये कहते हैं कि यूएन जो है यूनाइटेड नेशन कहते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, लगभग हाफ जो है आधे जो गाजा की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी कैलामिटस हो जाएगी. हमास विच स्टेज द शॉकिंग एंड ब्रूटल अटैक ऑन इसराइल. ये जो हमास है ये मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पैलेस्टीन के लोगों का है, मुस्लिम्स को सपोर्ट करता है, राइट. तो इसने एक ब्रूटल अटैक किया था इसराइल पे 1 वीक पहले और फायर किया था थाउजेंड ऑफ रॉकेट्स और बहुत सारे रॉकेट भी इन्होंने फायर किए थे. सिंस डिसमिस द इवैक्यूएशन ऑर्डर. अब ये जो इवैक्यूएशन ऑर्डर था इन्होंने इसको मानने से मना कर दिया है एज ए प्लो एंड कोल्ड ऑन पीपल टू स्टे इन देयर होम. और लोगों से कहा है कि भागने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में रुकिए. अब ये जो इवैक्यूएशन ऑर्डर है जो अप्लाई करता है गाजा की जो शहर है उस पर ये 100 जो है थाउजेंड जो पैलेस्टीनियन है उनका ये घर है और स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड पैनिक अमंग सिविलियंस एंड एड वर्कर्स ऑलरेडी रनिंग फ्रॉम इजरायली एयर स्ट्राइक एंड कंटेंडिंग विद अ टोटल सीज ऑफ गाजा. अब यहाँ पे क्या है कि गाजा को भी सीज कर लिया गया है और ये जो लोग हैं पैलेस्टीनियन जो लोग हैं जो ऑलमोस्ट यहाँ पे रहते हैं नदर पार्ट में गाजा के इनको बोल दिया कि आप इसको खाली करके जाइए. और इन लोगों में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड पैनिक है, डर का माहौल है, ठीक है. तो इसराइल हैज कट ऑफ ऑल फूड. अब इसराइल ने क्या किया है, सारा का सारा जो खाना है फूड भी इनको नहीं दे रहे हैं, पानी की और सप्लाईज जो है वो इन्होंने कट ऑफ कर ली है बिल्कुल. फॉरगेट अबाउट फूड, फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, फॉरगेट अबाउट फ्यूल. द ओनली कंसर्न नाउ इज जस्ट इफ यू विल मेक इट, इफ यू आर गोइंग टू लिव. तो ये कंसर्न ये है कि चलो आप भूल जाओ कि फूड की सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की. यहाँ पे तो जो लोग जिंदा हैं उनकी जान की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग जिंदा रह भी पाएंगे या नहीं. द ओनली कंसर्न नाउ इज जस्ट इफ यू विल मेक इट, इफ यू आर गोइंग टू लिव. सैड नेबल फरसक आ स्पोक्स पर्सन फॉर द
पैलेस थ्रू, ठीक है, तो ये पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट इन गाजा सिटी, वॉर हैज ऑलरेडी क्लेम्ड ओवर 3000 लाइव्स ऑन बोथ साइड। अब इस वॉर की वजह से 3000 लोग जो है दोनों साइड पे वो मर चुके हैं, एंड सेंट टेंशन सोरिंग अक्रॉस द रीजन। और यहाँ पे जो रीजन है वहां पे बहुत जो है टेंशन है। अब आप ये देख सकते हैं, ये पैलेस्टीनियन फ्ली आफ्टर द इजरायली आर्मी वार्निंग टू लीव देयर होम्स इन गाजा सिटी ऑन फ्राइडे। गाजा की जो सिटी है वहां पे जो पैलेस्टीनियन लोग हैं ये जा रहे हैं, क्योंकि इनको जो इजरायली की जो आर्मी है उन्होंने वार्न कर दिया है कि आप अपने घरों को छोड़ दीजिए। कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट इन एनीवंस इंटरेस्ट, ये मोदी का स्टेटमेंट आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं कि टेररिज्म किसी भी वजह से हो वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्रंटेशन, सच अ वर्ल्ड फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्रंटेशन इज नॉट इन एनीवन इंटरेस्ट। तो ये कहते हैं कि इससे किसी भी देश का फायदा नहीं होने वाला है। अब ये पेज कंटिन्यूड है पेज 8 में, तो हम देखते हैं पेज 8 में देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो अब ये जो है इसराइल ने गाजा पे बॉम्ब अटैक किया है अराउंड द क्लॉक सिंस हमास अटैक। जब हमास ने अटैक किया है इसराइल पे, तो इसराइल ने बदले में गाजा जो सिटी है जहाँ पे पैलेस्टीनियन रहते हैं उन पे अटैक किया है, जिसमें इसके जो फाइटर्स है मैसेकर्ड हंड्रेड्स इन सदर्न इसराइल एंड स्नैच्ड सम 150 पीपल टू गाजा एज होस्टेज। तो इसमें ये कहने का है कि इसके जो फाइटर्स है उन्होंने मैसेकर किया है लगभग हजारों लोगों को सदर्न इसराइल में, और स्नैच किया है लगभग 150 पीपल, इसमें गाजा में वो स्नैच करके उनको लाए है एज अ होस्टेजेस। तो हमास ने ये कहा है कि इसराइल की जो एयर स्ट्राइक है उसने 13 जो होस्टेजेस है उनको मार दिया गया है। इट इज सेड द डेड इंक्लूडेड फॉरनर्स बट डिड नॉट गिव देयर नेशनलिटीज। अब जो जिन लोगों को मारा है वो फॉरनर्स थे, लेकिन उनकी नेशनलिटीज के बारे में हमें कोई भी कुछ भी पता नहीं है। इसराइल की जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है जिनका नाम है एडीएम डैनियल गारी डिनाइड दैट, टेलिंग अल जजीरा अरेबिक दैट वी हैव आर ओन इंफॉर्मेशन एंड डू नॉट बिलीव द लाइज ऑफ हमास। तो ये कह रहे कि जो हमास झूठ बोल रहा है उनकी झूठ पे आप मत यकीन कीजिए, हमारे पास खुद की अपनी इंफॉर्मेशन है। इसराइल सेड ऑन थर्सडे इट वुड अलाउ नो सप्लाईज इन टू गाजा अंटिल हमास फ्री द हॉस्टेजेस। तो इसराइल ने ये कहा है कि ये अलाउ नहीं करेगी कोई भी सप्लाईज किस पे गाजा में, जैसे फूड की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जब तक जो हमास है वो उनके हॉस्टेजेस को फ्री ना कर दे। अब यहाँ पे हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बैलेंसिंग पॉलिसी को लेकर। इसमें ये कहा गया है कि इंडिया को प्रेशर करना है इसराइल को, ताकि इसराइल जो है वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सके इन द फेस ऑफ टेरर। विदिन आवर्स ऑफ मैसेकर ऑफ इसराइली सिटीजन, इसराइली के जो सिटीजन है उनकी लगभग जब हत्या हुई है हमास के फाइटर के द्वारा लास्ट सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है इंडिया सॉलिडारिटी जो है वो इसराइल के साथ है, जबकि हिस्ट्रीज जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की और जो स्केल है वायलेंस का वो बहुत ही डिफरेंट रहा है। इंडिया ने फेस किया है टेरर अटैक्स ऑल टू ऑफन टू नॉट फील द पेन इन इसराइल वेयर टीनेजर्स एट अ कॉन्सर्ट, चिल्ड्रन इन अ पार्क, ग्रैंड पेरेंट्स एट होम एंड इवन बेबीज इन क्रिब्स वर गन्ड डाउन अमिड्स अदर एट्रोसिटीज हमास कैरीड आउट। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हमास जो है, जो गाजा का एक मिलिट्री का ग्रुप है, पैलेस्टीन का जो एक मिलिट्री का ग्रुप है, उसने इसराइल पे, इसराइल के जो लोग थे, बच्चे जो थे उनको पार्क में मारा गया है, जो बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको घरों में उस मिलिट्री फोर्स ने मारा है, और जो छोटे छोटे बेबीज है उनको भी मारा है। तो बहुत सारी एट्रोसिटीज जो है हमास ने वो कैरी आउट की है, इंक्लूडिंग टेकन डजन होस्टेज, और बहुत सारे जो लगभग दर्जनों जो लोग हैं उनको वो प्रिजनर बना के ले गए हैं। सेंटिमेंट्स वर रिपीटेड व्हेन मिस्टर मोदी स्पोक टू इजराइल प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो सेंटिमेंट्स है वो कब रिपीट हुए थे, जब मिस्टर मोदी जो है वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन से बात करते हैं
और वो कंडेम करते हैं कि हम किसी भी तरह का जो टेररिज्म है उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इंडिया का जो सेकंड बिग जो कंसर्न है हैज बीन द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन। अब यहाँ पे है कि इंडिया का जो सेकंड बिग कंसर्न है वो क्या है, सेफ्टी किसकी, इंडिया के सिटीजन की, स्पेशली एट इसराइल बिगेन रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन गाजा। अब जैसे यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो सिटीजन हैं जो इसराइल में फंसे हुए हैं, तो इंडिया उनकी सेफ्टी को लेके काफी यहाँ पे चिंताजनक है, ठीक है, एज इसराइल बीइंग रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ऑन गाजा। और इसराइल ने बहुत ही एक स्ट्राइक की है गाजा पे, ठीक है। 18,000 इंडियन वर्क्स और स्टडी इन इसराइल, 18,000 इंडियन या तो इसराइल में काम करते हैं या स्टडी करते हैं। इन एडिशन टू 85,000 इसराइलिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब यहाँ पे जो 85,000 जो इसराइलिस्ट है वो इंडिया के ओरिजिन है, लगभग वो लोग या तो महाराष्ट्र से है, मणिपुर से है, मिजोरम से है, केरला से है, या फिर वेस्ट बंगाल से है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज चार्टर्ड फ्लाइट्स टू ब्रिंग देम होम। अब मिनिस्ट्री जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसने कहा है कि हम इन लोगों को वापस हिंदुस्तान लेके आएंगे। न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो एडिड न्यूएंस टू द इनिशियल पोजिशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिलीवरिंग द गवर्नमेंट्स फर्स्ट फॉर्मल स्टेटमेंट। So while repeating the condemnation of the Hamas attack, statement reminded Israel about the universal obligation to observe international humanitarian law. अब ये है कि हमने इसको अटैक को कंडेम किया है और हम इसके अगेंस्ट है इंडिया के जो भी हमास ने किया है। तो स्टेटमेंट रिमाइंड करती है इसराइल को अबाउट किसमें, कि यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन जो आपको ऑब्जर्व करनी है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लो को लेके, ये हाँ इसराइल पे भी लागू होता है। तो एज इट कैरीज आउट ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट द मैनेस ऑफ टेररिज्म। अब यहाँ पे इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसराइल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इसको फाइट करना है किसके अगेंस्ट, जो भी टेररिज्म है टेररिज्म के अगेंस्ट। इन एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि इसकी जो लॉन्ग स्टैंडिंग और कंसिस्टेंट पोजीशन है पैलेस्टीन इशू पे, स्टेटमेंट एक रिमाइंडर है किसका, टाइड ड्रॉप का। इंडिया जो ने जो वॉक की है 1992 से लेके जब न्यू दिल्ली ने एस्टेब्लिश किए थे फुल डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ, जबकि इसने पैलेस्टीनियन कोर्स को भी सपोर्ट किया था। तो यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ है टूवर्ड्स इसराइल पोजिशन given increasingly close bilateral relations trade। तो कहने का मतलब ये है कि एक शिफ्ट हुआ है इसराइल की पोजीशन के टूवर्ड्स, यहाँ पे हमने इसको क्लोज bilateral relations भी रखे हैं, ट्रेड रिलेशन रखे हैं, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दी है, मिलिट्री प्रोक्योरमेंट किया है और काउंटर टेररिज्म में भी कोऑपरेशन किया है। 2017 में मिस्टर मोदी पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जो इसराइल में जाते हैं, जबकि 2018 में मिस्टर नेतन्याहू जो है वो इंडिया में आए थे, विजिट किया था उन्होंने। हाउएवर मिस्टर मोदी वाज आल्सो द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू मेक एन ऑफिशियल विजिट टू पैलेस्टीन। तो मिस्टर मोदी पैलेस्टीन भी जाते हैं। 2017 में इंडिया ने वोट किया था यूएस के अगेंस्ट एंड इसराइल फॉर एन अटेम्प्ट टू डिक्लेयर unilaterally all of Jerusalem as the Israeli capital। यानी के 2017 में इंडिया ने किसके अगेंस्ट वोट किया था, यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स के और इसराइल के, क्योंकि इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था डिक्लेयर करने के लिए यूनिलेटरली कि जो जेरूसलेम है वो इसराइल की कैपिटल है। पॉलिसी लाइन्स न्यू दिल्ली इज कंटिन्यूइंग टू ड्रॉ सीम क्लियर टू abhor terrorism but not to condone indiscriminate reprisal bombings even as it holds its consistent positions on Palestine। तो यहाँ पे क्या है कि पॉलिसी लाइन जो है न्यू दिल्ली वो कंटिन्यू करती है क्या ड्रॉ करने के लिए, सीम क्लियर टू abhor terrorism कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट है बट नोट टू कंडोन इनडिस्क्रिमिनेट रेप्रिजल बॉम्बिंग। तो इवन एज इट होल्ड्स इट्स कंसिस्टेंट पोजिशन
ऑन पैलेस्टीन, और ये जो बॉम्बिंग वगैरह जो भी हो रही है इसराइल की तरफ से पैलेस्टीन पे, इसको भी इंडिया सपोर्ट नहीं करती है। नो क्लेम टू राइटिंग हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस कैन पॉसिबली बी यूज बाई हमास टू एक्सप्लेन इट्स इनह्यूमन अटैक ऑन इसराइल। सेम वे में कि कोई भी क्लेम जो है जो अपनी राइट को बताता है, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस जो है वो पॉसिबली यूज नहीं हो सकती हमास से कि वो इनह्यूमन अटैक करे इसराइल पे। हाउएवर एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट कैन नॉट बिहेव लाइक एन इंसर्जेंट ग्रुप। अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट है तो आप इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करेंगे। एंड इसराइल की जो लेटेस्ट डिमांड है दैट मोर देन अ मिलियन गाजा रेसिडेंट्स मस्ट इवैक्यूएट एज इट कंटिन्यूज टू पाउंड द सिटी एंड प्लान्स अ पॉसिबल ग्राउंड ऑफेंसिव विल मेक बिलीज चैलेंज एंड बैलेंसिंग पॉलिसी इवन मोर कॉम्प्लेक्स। और दूसरा ये प्रॉब्लम है इसराइल की तरफ से जो डिमांड है कि ये इसराइल डिमांड करता है कि मिलियंस जो है गाजा के जो रेसिडेंट है उनको सिटी को खाली करना है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इसके भी अगेंस्ट है और ये इंडिया के जो बैलेंसिंग पॉलिसी है उसको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कि अ वॉर दैट एंड्स द सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। एक वॉर जो है जो क्या करती है, एंड करती है सऊदी इसराइल की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को, ठीक है। पढ़ते हैं आर्टिकल में लिखा क्या है। ये एक तलवीज अहमद ने आर्टिकल लिखा है एंड इज अ फॉर्मर डिप्लोमेट। तो लेट्स स्टडी द आर्टिकल। जैसे ही हम जानते हैं कि हमास जो है वो लॉन्च करता है इसका लीथल अटैक्स किस पे, इसराइल पे, अक्टूबर 7 को, तो जो असोल्ट हैज फर्मली ओवरटर्न इसराइली एफर्ट सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू प्रमोट अ नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद अरब स्टेट्स विदाउट कंसीडिंग एनीथिंग टू पैलेस्टीनियन। यानी कि क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि हमास जो है उसने एक लीथल अटैक किया था इसराइल पे अक्टूबर 7 पे, तो ये जो असोल्ट किया था इसराइली लोगों का, इसने फाइनली फर्मली क्या कर दिया है, इसराइली के जो एफर्ट है उसको ओवरटर्न कर दिया है, ठीक है। अब ये जो इसके जो एफर्ट थे जो सपोर्टेड थे यूनाइटेड स्टेट से, क्या क्या कि हमें इसराइल को क्या प्रमोट करना है, नॉर्मलाइजेशन किसका, रिलेशंस का अरब स्टेट के साथ, ठीक है, विदाउट कंसीडिंग एनीथिंग टू द पैलेस्टीनियन, कि इसको अपने जो जो रिश्ते हैं रिलेशंस है वो नॉर्मलाइज करना है अरब स्टेट के साथ। स्पेसिफिकली गाजा वॉर हैज डेल्ट अ मॉडल ब्लो टू द एफर्ट्स फॉर सऊदी अरेबिया टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल। तो गाजा की जो ये वॉर है उसने क्या दिया है, इसमें एक मॉर्टल ब्लो दिया है, हैज डेल्ट अ मॉर्टल ब्लो टू द एफर्ट्स फॉर सऊदी अरेबिया टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो चुकी है इसराइल को, जैसे नॉर्मलाइज करने की इसराइल कोशिश कर रहा है अपने रिलेशंस को अरब स्टेट के साथ। तो गाजा पे, जैसे गाजा पे जो वॉर हुई है इसकी वजह से ये कहीं ना कहीं सफर हो रहा है। सितंबर 22 को इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन वाज एट हिज एरोगेंट एंड ट्रम्फेलिस्ट बेस्ट एज ही वेव टू मैप्स टू एम्बेलिश हिज स्पीच एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट यहाँ पे साउंड करते हैं और इन्होंने क्या किया है, दो मैप को वेव किया है अपनी स्पीच को एम्बेलिश करने के लिए, कहाँ पे, यूनाइटेड यूएन की जनरल असेंबली में। वन जो है, वन मैप ने डिपिक्ट किया है एक आइसोलेटेड इसराइल इसमें जो कि 1948 में था, जबकि जो दूसरा है उसने शो किया है अरब के जो नेबर्स है दैट नाउ हैड पीस एग्रीमेंट्स विद इसराइल। अरब के जैसे नेबर्स है जिन्होंने अब अपना जो रिश्ता है वो इसराइल के साथ बहुत ही पीसफुल बना के रखा है, जैसे एक में आता है दूसरे मैप में इजिप्ट, सूडान, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, बहरीन एंड जॉर्डन। इट ऑल्सो शोड ऑल द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। अब ये शो करता है वो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज जो गाजा, जो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर ली है, कौन कौन सी, वेस्ट बैंक, ठीक है, गाजा और ईस्ट जेरूसलेम।
एक इंटीग्रल पार्ट था जो कि अब इसराइल का एक इंटीग्रल पार्ट है. मिस्टर नेतान्याहू स्पेसिफिकली अप्लोडेड द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस विद सऊदी अरेबिया अंडर यूएस ऑस्पाइसेस एंड इंसिस्टेड दैट पैलेस्टीनियन शुड हैव नो वेटो ओवर द प्रोसेस. तो इन्होंने कहा कि ये जो अपनी जो रिलेशनशिप है इसराइल उसको नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है, यूएस की ऑस्पाइसेस के साथ. और इसने इंसिस्ट किया है कि जो पैलेस्टीनियन है उनकी कोई वेटो नहीं होगी किस पे, इस प्रोसेस पे. यूएस बैक्ड डिप्लोमेसी. अब ये जो इसराइल है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट. मिस्टर नेतान्याहू रिमार्क्स करता है रिफ्लेक्टेड द फ्लरी ऑफ डिप्लोमेटिक एक्टिविटी ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स बिटवीन वॉशिंगटन टेल एवीव एंड रियाद एज यूएस ओके ऑफिशियल पोस्ट फॉर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इसराइल एंड सऊदी अरेबिया. अब इसमें क्या है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए वो उसको पुश कर रहे हैं किसके बीच में, इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में, पॉसिबली विद इन दिस ईयर, इसी साल. अमेरिकन और इसराइल के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पब्लिकली ये अफर्मेशन दी है कि जो ब्रॉड कंटोर्स है एग्रीमेंट्स के वो फाइनलाइज हो गए हैं. मीनवाइल दो इजरायली मिनिस्टर्स भी सऊदी अरेबिया जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए. तो ये सिग्निफाई कर रहा है इंक्रीजिंग बॉन्ड होमी बिटवीन द टू कंट्रीज. तो थोड़ा सा ये बता रहा है कि दो कंट्रीज के बीच में थोड़े से रिलेशन जो है वो काफी अच्छे होने वाले हैं. अब ये जो नॉर्मलाइजेशन है डील हैड हिज ऑन थ्री कंडीशंस. नॉर्मलाइजेशन की जो डील है वो हिंज हो चुकी है तीन कंडीशंस पे कि जो किंगडम है had placed before the US, kingdom had placed before the US, US approval for a civilian nuclear program. अब यहाँ पे कोई भी अगर civilian nuclear program होगा तो US का approval जरूरी है जो provide करता है uranium enrichment को within the country, ठीक है, uranium enrichment within the country and ironclad US security guarantee for the country. और US की जो security guarantee है country के लिए and सेल्स किसका एडवांस वेपन्स को लेके. अमेरिकन्स वर सेड टू बी इंसिस्टिंग दैट सऊदी अरेबिया बैक यूएस. अमेरिकन जो थे वर सेड टू बी इंसिस्टिंग दैट कि सऊदी अरेबिया जो है वो यूएस को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है. अब ये जो इंटरेस्ट है ऑयल के प्राइसेस पे ये इसकी डाइल्यूट करता है इसकी पॉलिटिकल मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल टाइज को चाइना के साथ और डीपेंड कर रहा है इसका स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट किसका, यूएस के साथ, ठीक है. तो ये कहना है किसका, आपका कंट्री का, अमेरिका का ये कहना है यहाँ पे. अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया की जो तीन कंडीशन थी नॉर्मलाइजेशन को लेके वर्क कंटेंटियस इन इजराइल एंड द यूएस एंड यूएस. सेवरल जो यूएस के पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इस आइडिया को अपोज किया है जो क्या कर रहा है, गिविंग सिक्योरिटी गारंटी टू एन अथॉरिटेरियन स्टेट. कि जो अथॉरिटेरियन स्टेट है उसको आप सिक्योरिटी गारंटी दे रहे हो. तो यूएस के पॉलिटिशियंस ने इसको भी अपोज किया है. उन्होंने वॉर्न किया है यूएस के प्रेजिडेंट को सऊदी अरेबिया जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है उसके अगेंस्ट, बिलीविंग दैट इट पोजेस एन अनएक्सेप्टेबल प्रोलिफरेशन रिस्क. उनको ये लगता है कि ये यूएस के लिए खतरनाक रिस्क दे सकता है. ए कंसर्न शेयर्ड इन इसराइल एज वेल एज. तो ये जो कंसर्न है वो इसराइल के साथ भी शेयर्ड है इसराइल में. तो देयर वर ऑल्सो ऑब्स्टिकल टू द यूएस सेल्स ऑफ एडवांस वेपन्स. बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे यूएस की जो एडवांस वेपन की सेल को लेके, लार्जली ड्यू टू सऊदी अरेबिया पुअर ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट एट होम एंड इन यमन. क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो ह्यूमन राइट्स है वो बहुत ही पुअर है और यमन में भी. फाइनली देर वर कंसर्न अबाउट सऊदी इंसिस्टेंस दैट आर्म सप्लाईज बी एकम्पनीड बाय अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलप इट्स आर्म इंडस्ट्री. तो फाइनली वहाँ पे कंसर्न थे सऊदी क्या इंसिस्ट कर रहा है कि जो आर्म की जो सप्लाईज है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आए, ठीक है, डेवलप हो
इट्स आर्म इंडस्ट्री, डेवलप इट्स आर्म इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो सऊदी अरेबिया की जो आर्म इंडस्ट्री है उसको भी डेवलप करे। डिस्पाइट दीज ऑब्स्टिकल यूएस वॉज कॉन्फिडेंट द डील वुड गो थ्रू। अब इसके अलावा यूएस इतना कॉन्फिडेंट था कि जो डील है वो चलेगी। अब ये जो पैलेस्टीनियन का जो इंटरेस्ट है और कंसर्न है डिड नॉट फिगर इन दीज नॉर्मलाइजेशन डिस्कशन। जो भी जैसे पैलेस्टीनियन का क्या इंटरेस्ट है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, उनका क्या कंसर्न है, वो इस नॉर्मलाइजेशन के डिस्कशन में कहीं भी नहीं आता है। गिवन द एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल कोलिएशन दैट मिस्टर नेतन्याहू हेड्स, देयर वाज नो इंटरेस्ट इन इजराइल टू गिव इवन लिप सर्विस टू पैलेस्टीनियन एस्पिरेशंस फॉर अ सॉवरेन एंड वाइबल स्टेट। तो ये कहते हैं जो मिस्टर नेतन्याहू जो है कहते हैं कि इसराइल का कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो पैलेस्टीनियन जो एस्पिरेशंस है उनको एक सॉवरेन स्टेट दे, एक वाइबल स्टेट दे, या फिर एक्सेप्ट करे ईस्ट जेरूसलेम को एज द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, पैलेस्टीनियन नहीं एक्सेप्ट करेगा। इनफैक्ट मिस्टर नेतन्याहू वॉज नॉट इवन विलिंग टू प्रोमिस फ्रीजिंग सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक। ठीक है, अब ये जो मिस्टर नेतन्याहू है वो उनकी कोई इच्छा ही नहीं है प्रॉमिस करने के लिए कि वो जो सेटलमेंट है वेस्ट बैंक को उसको फ्रीज करे और जो एनेक्सेशन है उसको डिफर करे या फिर जो इलीगल प्रोसेसेस हो रही है उसको आउटपोस्ट करे। एट द टाइम 100 जो है इसराइल के जो रिलीजियस ज़ीलट्स है बैक बाय मिस्टर नेतन्याहू मिनिस्टर्स मेड प्रोवोकेटिव इनकर्जन्स इन टू द अलक्सा। अब ये जो अलक्सा जो मस्जिद है वहां पे ये थोड़ा सा इंकर्जन बनाते हैं अलक्सा कॉम्प्लेक्स में, जबकि जो सेटलर्स है वेस्ट बैंक में वो वायलेंस इंक्रीज करते हैं अगेंस्ट देयर पैलेस्टीनियन नेबर्स। ठीक है, उनके जो पैलेस्टीनियन नेबर्स है उनके अगेंस्ट वो वायलेंस करते हैं यूजली विद द सपोर्ट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के सपोर्ट से ही पॉसिबल होता है। अब बात आता है सऊदी ईरान की टाइस की। गाजा की जो वॉर हैज वंस अगेन प्लेस द पैलेस्टीनियन इशू एट द सेंटर ऑफ द वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स। गाजा की लड़ाई हुई है, इसने एक बार फिर से जो पैलेस्टीनियन का इशू है उसको वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स के सेंटर पे ला दिया है। कुछ राइटर्स ईरान को ब्लेम कर रहे हैं और आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक जो है उसने इंस्टिगेट किया है हमास के अटैक्स को। ठीक है, इस्लामिक जो रिपब्लिक है उन्होंने क्या किया है, इंस्टिगेट किया है हमास के अटैक को ताकि वो ब्लॉक कर सके सऊदी अरेबिया का नॉर्मलाइजेशन इनिशिएटिव विद इसराइल। ये कौन कह रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इस आर्गुमेंट के लिटिल क्रेडिबिलिटी है, सऊदी ईरान टाइज हैव ऑलरेडी बीन नॉर्मलाइज्ड अंडर चाइनीज मीडिएशन। सऊदी की और ईरान की जो टाइज है वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो चुकी है चाइनीज मीडिएशन के अंडर। एम्बेसीज जो है वो भी री ओपन हो चुकी हैं दोनों कैपिटल्स में। हाई लेवल विजिट्स जो हैव बीन एक्सचेंज एंड जो इकोनॉमिक कोऑपरेशंस है वो भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक्सपैंड हो रहा है। अब जैसे कि हम फॉलोइंग द हमास अटैक किंगडम हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन आर नॉट पॉसिबल विदाउट पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट बीइंग। अब जैसे कि हमास ने अटैक किया है इसराइल पे तो ये रियलाइजेशन हुआ है कि बिना पैलेस्टीनियन के इंटरेस्ट को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ये जो पीस है स्टेबिलिटी है उस रीजन में ये पॉसिबल नहीं होगी। एक ऑफिशियल की स्टेटमेंट है, सऊदी फॉरेन ऑफिस हैज रिकॉल्ड द किंगडम्स रिपीटेड वार्निंग्स ऑफ द डेंजर्स ऑफ द एक्सप्लोजन्स ऑफ द सिचुएशन एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन। ये रिपीटेड वार्निंग दी गई थी बहुत सारे डेंजर को लेके। ठीक है, डेप्रिवेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पैलेस्टीन के जो लोग हैं उनको डिप्राइव किया जा रहा है उनकी लेजिटिमेट राइट्स को लेके, और रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे सिस्टमैटिक प्रोवोकेशंस का ऑफ इट्स सैंक्टिटीज। ये जो स्टेटमेंट है रेफरिंग टू द अब्यूजेस काउंटेनेंस्ड बाय द नेतन्याहू गवर्नमेंट डिसक्रेशन ऑफ द अलक्सा मोस्क कॉम्प्लेक्स एंड सेटलमेंट एक्सपेंशन। तो ये जो है उनपे अलक्सा जो मॉस्क है उसका डिसक्रेशन हो रहा है उस कॉम्प्लेक्स को, और इनका जो इसराइल का जो सेटलमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, वायलेंस जो हो रही है किसमें, वेस्ट बैंक में। सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने कहा है कि
किंगडम विल स्टैंड बाय द पैलेस्टीनियन पीपल टू अचीव देयर लेजिटिमेट राइट्स टू डिसेंट लाइफ, कि हम लोग पैलेस्टीनियन जो पीपल है उनके साथ है ताकि वो एक डिसेंट लाइफ को अचीव कर सके, आप अचीव कर सके अपनी होप्स को, एस्पिरेशंस को, और अचीव कर सके जस्टिस को और पीस को। ठीक है, अब बात आती है पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट इन फोकस, पैलेस्टीनियन का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे फोकस में है। अगेन सऊदी हैव अबैंडन्ड रिकोर्स टू इनसिंसियर वर्बल एश्योरेंस टू द पैलेस्टीनियन दैट वर अंडर कंसिडरेशन ड्यूरिंग द नॉर्मलाइजेशन नेगोशिएशन, सर्च इज नाउ फॉर कंक्रीट एक्शन टू सर्व पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा एक्शन देना है जिसमें हमें पैलेस्टीनियन के इंटरेस्ट को सर्व करना है। सऊदी के जो जर्नलिस्ट है फैसल अब्बास ने लिखा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्ट करना है एक्टिवेट करने के लिए एक क्रेडिबल पीस प्लान को जो इनेबल करता है टू स्टेट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की तरफ हमें यहाँ पे आना है। लुकिंग अहेड इट हैज बीन ऑब्वियस ओवर द लास्ट 3 years दैट द किंगडम हैड श्रग्ड ऑफ द अमेरिकन योक एंड वॉज परस्यूइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी इंगेजमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट विदाउट एनी US इन्वॉल्वमेंट। तो ये ऑब्वियस है लास्ट 3 साल से कि जो किंगडम है वो श्रग्ड ऑफ द अमेरिकन योक एंड वॉज परस्यूइंग इट्स फॉरेन पॉलिसी इंगेजमेंट इन विदाउट एनी US इन्वॉल्वमेंट। किंगडम रिजेक्ट्स द US इंटरेस्ट, किंगडम जो है वो रिजेक्ट करता है US का इंटरेस्ट इसमें बिल्ड करने में एंटी चाइना कोलिएशन को ग्लोबली एंड एंटी ईरान स्टेबल रीजनली। अगेन रिगार्डलेस ऑफ द US विशेस देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सऊदी अरेबिया एकोमोडेटिंग द अमेरिकन्स ऑन ऑयल प्राइसेस और डाइल्यूटिंग इट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक टाइज विद चाइना, दे एग्जेम्प्लीफाइड असर्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड आर इन इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इट्स क्वेस्ट फॉर डाइवर्स multifaceted and substantial ties across Asia promoting the Palestinian forms an important part of its foreign। तो यही है कि अब तो सऊदी अरेबिया भी जो है वो इसके सपोर्ट में आ गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमास आस्क गाजंस टू स्टे इन होम्स इग्नोर इजराइल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अब जो हमास है वो जो गाजा के जो लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर में रहिए और जो भी ये साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर है इसराइल की इसको आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो कहता है इसराइली ऑर्डर को फॉर पैलेस्टीनियन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वेस्ट एशिया की जो कैपिटल है उस पे गैदर हुए हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट और गाजा के सपोर्ट में। और यहाँ पे ये जो है ये अमेरिका के अगेंस्ट है। ठीक है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटर है जो गैदर हुए हैं ये चेंट इन्होंने किया है जब सेंट्रल बगदाद में ये गैदर हुए हैं। शिया के जो लीडर है मौकदा सदर ने इनको बुलाया था कि आप एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए गाजा के सपोर्ट में और इसराइल के अगेंस्ट में। कैपिटल तेहरान है, वहाँ पे इन्होंने ईरानियन के, पैलेस्टीनियन के, लेबनीज के और हेजबुल्ला के फ्लैग्स को क्या किया था, लहराया था। सिमिलर गैदरिंग जो है वो दूसरी सिटीज में भी हुई है ईरान के, जहाँ पे अमेरिकन और इसराइल के जो फ्लैग्स हैं उनको जलाया गया है। ईरान एक कंट्री है विद जहाँ पे शिया ज़्यादा है मुस्लिम बट नॉन अरब पॉपुलेशन, लेकिन शिया मुस्लिम ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे अरब की पॉपुलेशन नहीं है। फाइनेंशियली एंड मिलिट्रली सपोर्ट्स हमास, तो ये लोग फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं हमास को और मिलिट्रेली भी सपोर्ट करें हमास को। इसराइल जो है इज देयर म्यूचुअल सोन एनिमी, इसराइल जो है वो इनकी क्या है म्यूचुअल सोन एनिमी है। जॉर्डन में जो कि विच हैज लॉन्ग हैड अ पीस ट्रीटी विद नेबरिंग इसराइल, अब जॉर्डन ने एक पीस ट्रीटी कर ली थी इसराइल के साथ। यहाँ पे लगभग 10,000 लोग गैदर हुए हैं सेंट्रल अम्मान में नियर द ग्रैंड हुसैनी मॉस्क आफ्टर अ कॉल फॉर प्रोटेस्ट फ्रॉम द जॉर्डनियन मुस्लिम ब्रदरहुड। तो जॉर्डनियन के जो भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे जो ये मॉस्क है ग्रैंड हुसैनी जो मॉस्क है यहाँ पे आप गैदर होइए और आप एक जो प्रोटेस्ट है उस प्रोटेस्ट के लिए गैदर कीजिए अगेंस्ट इज़राइल। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट एंड यूथ ग्रुप्स यहाँ पे आए हैं। बहरीन में भी बहुत सारे जो वर्शिपर्स है चैंटेड डेथ टू इज़राइल एंड
डेथ टू अमेरिका अहेड ऑफ फ्राइडे प्रेयर्स। तो ये फ्राइडे की प्रेयर्स में जब लोग इकट्ठा होते हैं तो यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करते हैं। लेबनान में सपोर्टर जो है ईरान के, जो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं,